हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर JKSSB। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। JKSSB ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अकाउंट असिस्टेंट का रिवाइज्ड सिलेबस जो है अपलोड कर दिया है। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ उसमें एक सेक्शन चेंज हुई है। पहले जम्मू एंड कश्मीर GK में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JK था, उसकी फॉर्मेशन थी, लेकिन अब जो है उसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ। तो अब सिर्फ एक ही सेक्शन है जो आपको स्टडी करनी है, वो ये है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि JKSSB का जो सिलेबस है उसमें जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है वो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उसके ऊपर बार बार बच्चे जो है मैसेज करते हैं कि इस पे वीडियो बनाओ, MCQ पे वीडियो बनाओ। तो हमारा आज का जो सेशन है वो रहने वाला है MCQ पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक जो है उसके ऊपर हमने MCQ बनाए हैं। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सी अप्रोच के साथ हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इन्वेस्टमेंट इज द, इन्वेस्टमेंट जो होती है वो क्या होती है? तो आपको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट का सिर्फ एक ही मोटिव होता है। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें रिटर्न जो है वो ज़्यादा चाहिए। मान लीजिए आप किसी भी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपने वहाँ पे मान लो 10,000 इन्वेस्ट किया, तो अब आपको वापस में 10,000 नहीं चाहिए। आपका जो मेन मोटिव है वो यही है कि आपको 10 के बदले कुछ ज़्यादा मिले, इसलिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाए होगा वो होगा, आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स ऑन एसेट टू अर्न रिटर्न। मतलब हमें क्या करना है, हमें रिटर्न चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना है, हम इन्वेस्टमेंट तभी करते हैं जब हमको क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए, वो भी ज़्यादा। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स ऑन एसेट टू अर्न रिटर्न। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न विद, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है वो किसके साथ कंसर्न होता है उसका मेन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग फाइनेंशियल सोर्सेज फॉर फर्म एक्टिविटी। सेकेंड है अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। थर्ड है एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस। फोर्थ है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है उसका जो मेन कंसर्न होता है वो क्या होता है कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं फर्म के अंदर उन सब के ऊपर एक नज़र रखनी। ठीक है, उन सभी पे बिल्कुल नज़र रखनी। तो ये चीज़ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, ऑल एस्पेक्ट ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग फाइनेंशियल सोर्सेज फॉर फर्म एक्टिविटी। फर्म की एक्टिविटी के लिए जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको, उनका सही से इस्तेमाल करना, उनका उनको यूज़ करना, एक्वायर करना, यूटिलाइज करना और उनका सही से यूटिलाइजेशन करना, वही कहलाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसी से कंसर्न है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, द प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो प्राइमरी गोल है वो क्या है। प्राइमरी मतलब, ठीक है, जो मुख्य गोल है उसका मेन एम जो है वो क्या है, टू मैक्सिमाइज द रिटर्न, टू मिनिमाइज द रिस्क, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ ओनर्स, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा आपका टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ ओनर। भाई मैनेजमेंट क्यों करते हैं, कोई भी कंपनी है उसके उसने एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पे अथॉरिटी बना रखी है, वो क्यों बनाई हुई है, क्योंकि जो ओनर है वो क्या करता है, वो नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार से उसका जो उसने जो इन्वेस्टमेंट करी है, उसने जो कैपिटल इन्वेस्ट करा है, वो कहीं भी कोई उसको मतलब उसमें कोई फ्रॉड ना हो जाए। किसी भी तरह के फ्रॉड को रोकने के लिए उसने एक सिस्टम बना रखा होता है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो वो किस लिए बना रखा होता है, क्योंकि ओनर चाहता है कि जो भी प्रॉफिट हो वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ किसको मिले, मुझे मिले, सारा तो नहीं लेकिन मतलब कि वो चाहता है कि एक अच्छे मतलब सही तरीके से जो जो भी वेल्थ है, ठीक है, वो मुझे मिले, बाकी जो है उनकी ड्यूटीज़ के हिसाब से उनको जो भी उनको सैलरी है वो दे देगा। लेकिन ये है कि फ्रॉड को रोकने के लिए
ये सब होता है। तो मतलब इसका जो मेन मोटिव है वो यही है, मेन जो प्राइमरी गोल है, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ ओनर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इन हिज ट्रेडिशनल रोल द फाइनेंस मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो फाइनेंस मैनेजर है अपने ट्रेडिशनल रोल में वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, बी है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सोर्सेज, सी है एक्वायरिंग कैपिटल एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डी है एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो इसका जो मेन रोल है वो क्या है, वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, जो फाइनेंस मैनेजर है उसका काम क्या है कि वो जितने भी रिसोर्सेज हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो उनको देखेगा, कंपनी में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए इस चीज़ को देखता है। ठीक है, डे टू डे लाइफ जो उनकी चलती है, बिजनेस एक्टिविटीज़ चलती हैं उसमें पूरा मतलब कि हर एक चीज़ को देखता है, किसी भी प्रकार की अगर कोई कुछ भी प्रकार का अगर कोई कमी है, ठीक है ना, डेफिशिएंसी होगी तो उसको उसको वो पूरा करते हैं। तो ये इसका मेन रोल होता है, इस चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, 5th क्वेश्चन, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर आर डिसाइडेड बाय, जो भी शेयर होते हैं ठीक है उनकी मार्केट वैल्यू कौन डिसाइड करता है। ऑप्शन ए है दी रिस्पेक्टिव कंपनीज, कंपनीज डिसाइड करती हैं, द इन्वेस्टमेंट मेकर सॉरी द इन्वेस्टमेंट मार्केट, जो इन्वेस्टमेंट मार्केट होता है वो डिसाइड करता है, गवर्नमेंट करती है, शेयर होल्डर्स करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट मार्केट। अब कैसे, देखो कंपनीज अपने शेयर का मार्केट खुद नहीं डिसाइड करती, गवर्नमेंट तो इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होती, और शेयर होल्डर भी शेयर होल्डर की मर्जी से थोड़ी ना होगा जो भी होगा। तो ये होगा इन्वेस्टमेंट मार्केट की वजह से, इन्वेस्टमेंट मार्केट ही डिसाइड करते हैं किसी एक शेयर की मनी वैल्यू, मार्केट वैल्यू सॉरी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मनी मार्केट सिक्योरिटीज़, इनमें से मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ कौन सी नहीं है। ठीक है, नॉट, तो कौन सी नहीं है, ट्रेजरी बिल्स, पहला ऑप्शन है ट्रेजरी बिल्स, दूसरा है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तीसरा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ऑप्शन डी है कमर्शियल पेपर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, क्योंकि ये क्या होता है, उसने पूछा कि मनी मार्केट सिक्योरिटी कौन सी नहीं है, तो ये है। ठीक है, बाकी जो है वो मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ हैं। इसमें क्या होता है, ये मनी मार्केट सिक्योरिटी नहीं है, ये क्या है, एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसको हम पोस्ट ऑफिस में खोलते हैं। ठीक है, इसका अकाउंट कहाँ पे खुलता है, पोस्ट ऑफिस में, हम वहाँ पे अपने मनी जो है वहाँ पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो चीज़ है, बाकी नहीं है। ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं इसको RBI इशू करता है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और ये कमर्शियल पेपर है, इसको हम बाद में देख लेंगे। 7th है कैपिटल बजटिंग इज रिलेटेड टू, ठीक है भाई, कैपिटल बजट जो होती है, बजटिंग एक टर्म है, कैपिटल बजटिंग इसको ध्यान रखना है, कहता है किसके साथ रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, ऑप्शन है लॉन्ग टर्म्स एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो जो कैपिटल बजटिंग होती है इसको आप सिंपल जा रख लो, ये होती है लॉन्ग टर्म एसेट्स के साथ। ठीक है, ये रिलेटेड है लॉन्ग टर्म एसेट के साथ। अब शॉर्ट टर्म वाली क्या होती है, इसको हम अगले अगले क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सपेंशन ऑफ CAPM इज, ठीक है, मतलब CAPM की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लेना, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, 9th क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज मैनेजिंग, इसमें अब पूछा है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, पीछे हमने पढ़ा था कैपिटल बजटिंग, अब पढ़ रहे हैं हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज मैनेजिंग। अब इसमें क्या आ जाता है, शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, बी ऑप्शन है लॉन्ग टर्म एसेट्स, सी ऑप्शन है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, डी ऑप्शन है ओनली शॉर्ट टर्म एसेट। तो
इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म एसेट्स और लाइबिलिटीज। ध्यान रखना है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता है शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसका मेन जो एम होता है वो क्या होता है कि हमारी जो भी शॉर्ट टर्म्स हैं, शॉर्ट टर्म में मतलब जैसे हम ये डे बेसिस पे होता है, डे बेसिस पे हम पूरा इसका मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट जो है इसका क्या करता है, देखता रहे, पूरी देख रेख करता है कि हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं बिजनेस की, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए या कोई और भी, तो वो पूरी होनी चाहिए, इसलिए इसको हम शॉर्ट टर्म एसेट्स में काउंट करते हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में इसको देखते हैं, जो भी एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 10th है, द कंपनीज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, कंपनीज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, कंपनी का जो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो किसके बराबर होती है, एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड डेबेंचर्स, बी ऑप्शन है एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स, सी ऑप्शन है दी एवरेज कॉस्ट ऑफ शेयर्स एंड ऑल सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, डी ऑप्शन है द एवरेज कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। ठीक है, इसका आपको याद रखना है, कंपनी का जो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो होती है आपकी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, द एवरेज कॉस्ट ऑफ शेयर, द एवरेज कॉस्ट ऑफ शेयर्स एंड ऑल सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। ठीक है, तो मतलब जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, ठीक है, उनके जितने भी सोर्सेस हैं वो, प्लस एवरेज कॉस्ट ऑफ शेयर्स, तो जो भी कंपनी ने अपने शेयर हैं उसके, वो प्लस उसमें आ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म फंड्स। और लॉन्ग टर्म फंड्स होते कौन से हैं, जिनकी वैल्यू आफ्टर 1 ईयर हमें मिलने वाली होती है। ठीक है, जो 1 साल के बाद जिनकी हमें मॉनिटरी वैल्यू मिलती है उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स। ध्यान रखना है चीज़ को, ठीक है, लॉन्ग टर्म फंड्स। तो ये थे हमारा आज का जो सेशन, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। इसी तरह से हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा चैनल का नाम है स्टडी फॉर JKSSB, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।